हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह हो चुकी है, मंगलवार है और सुबह घूमने के लिए आए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ का मौसम। और मेरा फ्रेंड मेरे साथ में है, सतनाम सिंह। और अभी हम लोग वॉकिंग के लिए निकले हैं, कम से कम 3-4 किलोमीटर घूमेंगे। और मौसम आज बहुत ही ठंडा हो चुका है और चारों तरफ फॉग है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, काफ़ी दिन के बाद जल्दी उठा हूँ, अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओके। काफ़ी धुंध पड़ी हुई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। काफ़ी अच्छी फॉग है। और ये रास्ता हमारा जो सीधा चौंकी वाला यानी नालागढ़ की तरफ जाता है, यहाँ घूमने के लिए बड़ा अच्छा है। तो फास्ट वे में आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगता है। सीधा रोड है, मज़ा आता है यहाँ पे घूमने का। ये बिल्कुल नए रोड बने हैं। आपको मैं बता दूं कि ये पूरी हंडूर रियासत हुआ करती थी और यहाँ पे रेलवे लाइन होती थी पहले। आप राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे, ये जहाँ मिट्टी दिख रही है, ये सारी रेलवे लाइन हुआ करती थी। और ये हमारे जो पूर्व MLA हैं श्री हरिनारायण सिंह जी, तो उन्होंने ही ये सड़क जो है यहाँ पे निकलवाई थी और उनकी बदौलत ही आज ये सड़क बनी है और लोगों को काफ़ी सहूलियत हुई है इसकी वजह से। बिल्कुल सीधा रोड है, मज़ा आता है यहाँ पे घूमने का। लेकिन आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह ही यहाँ पे कितने आवाजाही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ ड्यूटी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। वाओ आंटी, कितना अच्छा लग रही है मटकते जाते हुए। लो भी अभी हम लोग वापस आ रहे हैं और मुझे फास्ट फॉरवर्डिंग में ऐसा लग रहा है कि जैसे बाइक के ऊपर हम लोग जा रहे होते हैं, लेकिन हम लोग बाइक पे नहीं, ये वीडियो को थोड़ा हमने तेज़ किया हुआ है और पैदल हम लोग जा रहे हैं। ये सारी रेलवे लाइन हुआ करती थी कभी और आज यहाँ पे रोड निकल गया है, क्योंकि रेलवे लाइन तो अब नहीं है यहाँ पे। अब ये गांव की तरफ, हमारे गांव की तरफ जाता है। पहले ये राजपुरा के खेतों के वाला रोड हुआ करता था, लेकिन अभी बड़ा पुल लग गया है और ये सड़क जो है अभी हम लोगों को गांव के लिए यूज़ कर रहे हैं ये। यहाँ कुछ फ्रेंड्स भी मुझे मिले सुबह। सो गाइस, टाइम 7 बज चुके हैं, मौसम आप देख सकते हो पीछे, अभी भी पूरी फॉग है, बिल्कुल भी आगे तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा ये देखिए। और मुझे नहीं लगता कि आज धूप चढ़ेगी जल्दी, टाइम लेने वाली है। पीछे आप देख सकते हैं हल्की हल्की सनलाइट दिख रही है, लेकिन सन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। मज़ा आया, बहुत दिन के बाद घूमा हूँ। मेरे भाई ने मुझे फ़ोन कर लिया कि आज चलते हैं घूमने, सो मज़ा आया। देखते हैं, रूटीन बनाते हैं डेली, अगर उठ पाया, कोशिश तो यही है। वाह, अगर आसमान में नहीं, आपको नहीं दिख पाएगा, बहुत सारे पंछी हैं। और ये यहीं, अभी मैं पुल दिखाता हूँ आपको, तो ये पुल है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर एक्सरसाइज करेंगे हम लोग यहाँ पे पहले, देन उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। तो यहाँ इसके नीचे बहुत सारे पंछी रहते हैं, अगर आपको साउंड आ रही होगी उनकी। ओके, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर निकलते हैं घर के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ और अभी मैंने पहले ऑफिस पहुंच जाता हूँ। सो गाइज, अभी मैं पहुंच गया हूँ ऑफिस में और मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गई है। आज मुझे चंडीगढ़ के लिए निकलना है। सो मैं आपको ज़्यादा दिखा तो नहीं पाऊँगा कुछ वहाँ पे, लेकिन हाँ, इतनी कोशिश ज़रूर करूँगा कि
वहाँ की थोड़ा ट्रैवलिंग और वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं निकलता हूँ, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, मुझे एक ट्रेनिंग भी अटेंड करनी थी, वो मैं कर चुका हूँ, वो थोड़ी ही रह गई है, देन 8 मिनट के बाद मुझे चंडीगढ़ के लिए निकलना है, मिलते हैं फिर शाम को। तो ये है रेलवे क्रॉसिंग, अभी फाटक लगे हुए हैं, फाटक खुलेंगे तो मैं अभी चंडीगढ़ के लिए निकलूँगा, वेट कर लें। चंडीगढ़ में एंटर हो चुके हैं और शुरू हो चुका है यहाँ से चंडीगढ़। मुझे सबसे पहले जाना है 23 में, जहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। तो 23 में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, पहले तो अभी हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ की 22 में, 23 में मैंने बोरियो दे दिया है। तो यहाँ थोड़ा काम है मुझे, वो परचेज करना है कुछ, देन उसके बाद निकलते हैं फिर यहाँ से। मार्केट भरी हुई है पूरी, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। तब तक हमने कुछ फ़ोटो शूट किया है यहाँ पे, ये फ़ोटोग्राफ्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये चंडीगढ़ की 22 की मार्केट है, जिसको शास्त्री मार्केट भी बोला जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, रास्ते में हम लोग शिशमा डैम के ऊपर रुकेंगे, जहाँ पर कुछ फोटोग्राफ करेंगे। अभी यहाँ पे रेड लाइट हो गई है और फिर शिशमा डैम पे जाके हम लोग फोटोग्राफ्स करेंगे कुछ, पहले रास्ते में कर लेते हैं कुछ। यहाँ पे भी हम लोगों ने फोटोग्राफ्स किए हैं और अभी हम लोग पहुंच गए हैं शिशमा डैम। ये है शिशमा डैम, काफ़ी अच्छा इसको बना दिया गया है। यहाँ पे बोटिंग का सिस्टम भी शुरू हो गया है, आप सामने अगर देख पाएँ तो बोटिंग वगैरह होती है यहाँ पे। बहुत अच्छा मौसम है और अभी हम लोग कुछ फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे खींचेंगे, क्लिक करेंगे, फ़ोटोग्राफी करेंगे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो फ़ोटोज़ भी। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स जो हमने यहाँ पे क्लिक किए, तो ठीक है दोस्तों चलते हैं अभी। ना संडे के कारण थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा है और ये गाड़ी तो हमें आगे नहीं निकलने दे रही है। चलो देखते हैं इससे ओवरटेक निकालते हैं, इससे इसको पीछे करें। आई गेस तो घर पहुँचते पहुँचते मुझे रात हो गई है, अभी मैं गांव में पहुँच चुका हूँ। ये मेरे घर की सड़क है और सामने जो मेरा गांव दिख रहा है, जहाँ पे अच्छी खासी लाइटें यहाँ पर दिख रही हैं। तो काफ़ी टाइम लग गया, मेरा पूरा दिन निकल गया है उधर ही। सो गाइस, घर पहुंच गया हूं, खाना हो गया है, फ्रेश हो गया हूं और आज ठंड थोड़ी ज़्यादा है, बाइक पे भी थोड़ी ठंड ज़्यादा लगी है और काफ़ी ट्रैवलिंग में रहा हूं मैं आज। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो किस तरीके का लगता है या मुझे क्या सुधार उसमें करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सजेशन बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। एंड कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें और सब्सक्राइब बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। थैंक यू सो मच।